हाउ टू गेट टॉल, तो मैं स्टार्टिंग वीडियो में बताना चाहता हूँ, कुछ ब्लैक पिल देना चाहता हूँ, कुछ ट्रूथ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हाइट टोटली डिपेंड्स ऑन अवर जेनेटिक्स। हमारे अगर पापा मम्मी लंबे होंगे, आपके पापा मम्मी लंबे होंगे, तभी आप लंबे होंगे। ये नहीं कि आप यूट्यूब का वीडियो देख लो हाउ टू बिकम 6 फीट और आप कुछ बुक ले लो 1-2 हज़ार का, तो अब ये वो लंबे हो जाओगे। आपका बस चूतिया काट रहे, कुछ नहीं। हाइट टोटली डिपेंड्स ऑन अवर जेनेटिक्स। अगर आप टीनेजर फेज में हो तो आप कुछ न्यूट्रल डाइट सप्लीमेंट लेके कुछ अपना हाथ तक हाइट इंक्रीज कर सकते हो 1-2 इंच। पर आप ये सोचो कि मेरे पेरेंट्स 5'2" 5'3" के हैं और मैं जाके मस्त बुक खरीद लूँ भाई उनका रेड पिल वालों का और मेरी हाइट हो जाएगी बास्केट प्लेयर इतनी 6'5" 6'6", तो भाई आपको एकदम चूतिया हो, आपको चूतिया काट रहे हो। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो को 2 पार्ट में बांटता हूँ। अगर आप 80 के नीचे हो, आपको अगर ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन आपका अगर बॉडी में क्लोज नहीं हुआ है, तो आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आप फिर 80+ क्रॉस कर चुके हो, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, तब भी आप 2-3 इंच अपना हाइट कैसे बढ़ा सकते हो, मैं उस पर बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 80 के जो नीचे उनकी। एक्चुअली आप ये ग्राफ देख रहे हो, इसमें एक स्टडी पाया गया कि इंडियन की हाइट कम हो रही है। अब कुछ साल 5-6 साल पहले तक इंक्रीज हुई, अब कम हो रही है, बोल सकते स्टडी हो चुकी है। हमारी इंडिया की मेल की एवरेज हाइट क्या है, 5'5" 5'5" इंडिया की। वियतनाम और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को छोड़ दो तो इंडिया सबसे छोटा देश है लंबाई के तौर पे। तो मेन रीज़न क्या है हमारा, न्यूट्रिएंट। हमारे में भाई खाना में प्रोटीन वोटीन तो ही नहीं, सत्तू ये सब लौड़ा लहसुन कुछ भी है, मेन प्रोटीन तो ही नहीं। और इसलिए अब देखोगे मेन रीज़न है, अगर सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा लंबे आदमी कहाँ पाए जाते हैं, हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश साइड, क्योंकि वो सब दबा दबा के लस्सी पीते दूध पीते हैं, सब खा पी के मस्त एकदम प्रोटीन डाइट ले गए। और हमारे जैसे इधर साउथ में चल जाओगे, साउथ में भी एक्चुअली मीट खाते हैं पर उतना प्रोटीन डिफिशेंट रहता है, उसमें भी प्रोटीन इतना रहता नहीं। और हमारे जो गुजरात या यूपी में, तो सब तो वेजिटेरियन है, उनको तो प्रोटीन डाइट मिलेगा ही नहीं। अगर आप एक प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट भी फॉलो करो तो भी आपको एक प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा। बट क्या करते हैं लोग, दाल चावल बस खत्म। 90% इंडिया तो ये दाल चावल में है, तो उनको प्रोटीन मिलता है नहीं, तो आपको उनका हाइट ग्रो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले अगर आप टीनेजर्स हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर 14-15 साल को आपको प्रोटीन इंक्लूड करना है अपने इसमें डाइट में। और आप इनफैक्ट कैल्शियम की गोली भी ले सकते हो, कि कैल्शियम मेन रीजन है हमारा बोन ग्रोथ के लिए, और प्रोटीन कैल्शियम ये दो चीज़ आप पक्का लो, आपका गारंटी है। अगर पापा की एक्चुअली एक एरिया स्तर पर बोल सकते हो कि अगर जो लड़का होता है ऑफस्प्रिंग होता है सन होता है बेटियाँ होती है, वो अपने पेरेंट्स से अक्सर लंबाई होती है। तो अगर आपके पापा 5'7" 5'8" है, तो अगर आप एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेते हो अपने टीनेजर फेस में, तो आप उनको हाइट को पास कर सकते हो 5'10" या 5'11", इतना हो तो एटलीस्ट बन ही सकते हो। मुझे एग्जाम्पल ले लो, मेरे पापा की हाइट कितनी थी, 5'4" और मेरी हाइट कितनी है, 5'8" 4 इंच का डिफरेंस है। क्योंकि जब मैं टीनेजर फेस में था, तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे न्यूट्रिएंट पे ध्यान दिया था, इसलिए मैं थोड़ा 4 इंच लंबा हूँ। मेरा भाई भी उतना ही है, 5'9" का, वो मुझसे 1 इंच भी लंबा है, क्योंकि वो बड़ा भाई था तो मैं भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया हूँ। तो ये जो 18 से नीचे आप ये बॉर्नविटा कॉम्प्लान पीनो ये सब पीने से कुछ नहीं होगा। आप प्रे करो कि आपके पापा मम्मी लंबे हो और आप एक गुड जेनेटिक्स हो, आपके पास एक गुड जेनेटिक्स हो और आप एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाइट लेते हो बस। और जिन्होंने 80+ क्रॉस चुका है, जिनके ग्रोथ हार्मोन अब क्लोज हो चुके हैं, वो क्या करें। तो सबसे पहले क्या है हमारा, एक गुड पॉस्चर, एकदम ऐसे एकदम सीना तान के एकदम खड़ा रहो, तो इससे क्या होगा, एक दो इंच हाइट तो बढ़ सकती है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है, आप 5'5" के बंदे हो, 5'5" के, ठीक है, आप स्ट्रेट खड़े रहो 1 इंच उससे बड़ा हाइट, ठीक है, आप कितने हो गए 5'6" को, ऐसे नहीं हो गए ऐसे रहोगे 1 इंच तो घटेगा ही ना, आप ऐसे रहोगे ज़्यादा अट्रैक्टिव भी देखोगे, आपकी हाइट भी ज़्यादा ऐसा लंबा रहोगे। अब सेकेंड क्या करना है, आपको एक सूज लिफ्टअप आता है, तो वो क्या रहता है, आपको अमेजोन पे जाओगे, आप सूज लिफ्टअप डालोगे या फिर लिफ्टर डालोगे, तो एक आएगा ऐसे सूज में लगाने के लिए, 3-4 इंच आपको हाइट वो इंक्रीज कर देगा, 300-400 का मिलेगा आराम से। जूते का नीचे डाल लो भाई, कोई भी स्पोर्ट्स सूज या किसी भी, 2-3 इंच हाइट आराम से इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप 5'6" मान में एक एवरेज लेता हूँ, आपको 2 इंच हाइट उससे इंक्रीज होगा, तो आप कितने हो गए 6'7" 6 तो पहले से 7-8 हो गया, 5'8" का हो गए आपको। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है, आपको जूता पहनना होगा, क्योंकि आप जब बाहर जाओगे या फिर कॉलेज में जाओगे या फिर कोई ऑफिस में जाओगे, तो आपको 2 इंच तो लंबा, और 1-2 इंच भी बहुत फ़र्क लाते हैं भाई हाइट में, तो आप 2 इंच ज़्यादा लंबे देखोगे। और थर्ड आपको क्या करना है, आपको हेयर स्टाइल अपना मेंटेन करना है अपवर्ड साइड में। अगर आप ऐसे, ये हमारा मेन बेस होता है ना, यहाँ से हम लोग हाइट नापते हैं, तो अगर आप हाइट ऐसे बाल आपका हेयर स्टाइल ऐसे है, तो 1 इंच तो आप आराम से हाइट इंक्रीज होगा उससे, हाँ।
तो आप क्या एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो कि आपकी हाइट 5 ना हो, बस इतना ही है। अब कोई ये मत सोचो भाई ये ऐसे ऐसे लटकने से या फिर ये करने से, जैसे ऐसे करने से हाइट बढ़ेगी, नहीं। वो सब चुतिया बनाते हैं, वी पाते हैं, चुतिया बना के आपको निकल जाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपका ग्रोथ हार्मोन बंद हो चुका है, आपको प्लेटलेट्स बंद, प्लेटलेट्स कह रहा हूँ मैं, आपको ग्रोथ हार्मोन अगर बॉडी प्रोड्यूस करना बंद हो चुकी है, तो आपका हाइट ग्रोथ होगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, चुतिया आप कोई भी कर लो, तो कुछ नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन आपका है सर्जिकल ऑप्शन है, लिंथ लेमिनिंग सर्जरी। शायद आपको पता भी होगा, पर इसमें क्या है, बहुत सारे रिस्क है। बहुत कम सर्जरी है जो सक्सेसफुल होती है। अगर आप, अगर हो भी जाए, अगर लग बाई चांस, तो आप लंगड़े हो सकते हो, कुछ खेल नहीं सकते, ज़िंदगी भर ऐसे ही पे 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 करते रहोगे। अगर आप, अगर अनसक्सेसफुल हो गया, तो कुछ केसेस में ये भी हुआ है कि जो हमारे पैर के हड्डियों की न्यूरॉन होते हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं, तो पैरालाइज हो जाएगा आपका पूरा पैर, चली ज़िंदगी भर व्हील चेयर पर रहोगे। हाँ, तो बेस्ट ये है कि अगर आप 5-5 से ज़्यादा है, जो कि इंडिया मेल की एवरेज हाइट है, तो आप ये लिंथ लेबलिंग सर्जरी ये सब चुतियापे पे मत जाओ। सीधे एक लिफ्टर खरीदो, शूज लिफ्टर, और पॉस्चर सुधारो, 2-3 इंच आपकी हाइट बढ़ी जाएगी और एक कॉन्फिडेंस तो आपको मिल ही जाएगा। एक्चुअली फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइट से। हाइट कोपिंग आप बंद करो। अगर आप अपने फेस पे मेंटेन करो, जिसको आप चेंज कर सकते हो, हाइट अपना चेंज नहीं कर सकते तो उसको छोड़ो, जो आप चेंज कर सकते हो उस पर ध्यान दो। सो यही है, और ये सब चुतिया पे मत घुसो कि मैं भाई सर्जरी करवा लूँ ऐसे सब। मुझे तो लगता है भाई 5-5 रहने से ज़्यादा अच्छा है लंगड़े रहने से। तो आपको, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 5-2, 5-6 के ज़्यादा छोटे हो, तब एक बार बोल सकते हो आप सोचो करने का। तब भी दूसरे फील्ड में जाओ, ऐसे मस्ती वस्ती करो भाई, ट्रेकिंग वेकिंग करो, लड़कियों का पीछा छोड़ो, और जो हाइट हो उसी पर खुश रहो। तो यही है, इतनी रीजन से आपको हाइट, अगर हाइट के नीचे हो आप, तो ये न्यूट्रिएंट डाइट, और पेरेंट्स अगर हाइट अच्छी है, तो आप भी एक गुड हाइट पे जा सकते हो, डिसेंट हाइट पे। अगर आप भाई 80+ क्रॉस कर चुके हैं, तो जो मैंने 2-3 चीज़ बताई वो कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आया तो लाइक करो। अगर आप मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए आपको लुक मैक्सिम पे, तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम पे। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।